हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन विदेश। दोस्तों मिशन विदेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज की वीडियो में बात करेंगे स्वीडन सीजनर वर्क वीजा के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों अगर हम बात करें यूरोप के अंदर जो एमर्जिंग कंट्री है वो है स्वीडन, और यूरोप के अंदर जो सबसे ज्यादा सीजनल जॉब्स प्रोवाइड करती है उस कंट्री का नाम है स्वीडन। अगर आप स्वीडन में सीजनल जॉब्स के बेसिस पे अगर जाना चाहते हैं, स्वीडन में काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा सीजनल वर्क वीजा का। स्वीडन सीजनल वर्क वीजा हर साल इश्यू करता है। जैसे कि आपको पता है स्वीडन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो हर साल वेकेशंस पे जाते हैं, तो वेकेशंस पे जाने के बेसिस पे यहाँ पे बहुत सारी जॉब वैकेंट हो जाती हैं, और जॉब वैकेंट होने पे यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। तो स्वीडन यहाँ पे हर साल सीजनल वर्क वीजा इश्यू करता है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा यहाँ पे स्वीडन के अंदर ऑलमोस्ट 1,10,000 से ज्यादा जॉब्स अवेलेबल रहती हैं सीजनल जॉब्स। अगर हम बात करें सीजनल वर्क वीजा की, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सीजनल जॉब्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये फार्म वर्कर जॉब्स हैं या फिर फार्म से रिलेटेड या फिर अगर लेबर जॉब्स हैं, ये सारी जॉब्स भी अवेलेबल रहती हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी जॉब्स आप लोगों को मिल जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सपोर्ट सर्विसेज में आप जा सकते हैं एज अ सीजनल वर्क वीजा यहाँ पे इश्यू होता है। ऑपरेशन ऑफ स्कीइंग फैसिलिटीज, ऑपरेशन ऑफ गोल्फ कोर्सेज, टूरिज्म एंड बुकिंग सर्विसेज, होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज, टूर ऑपरेशंस में ये जॉब्स होती हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स में ये जॉब्स अवेलेबल होती हैं, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए, लैंडस्केप एंड मेंटेनेंस में, हेल्थ केयर सेक्टर्स में ये जॉब्स होती हैं, मैनेजमेंट एरियाज में ये जॉब्स अवेलेबल रहती हैं। तो सीजनल वर्क वीजा इन सारे सेक्टर्स के लिए इश्यू किया जाता है। तो स्वीडन वर्क वीजा यहाँ पे इश्यू करता है, लेकिन इसकी एक ही कंडीशन होती है कि आप 12 मंथ के अंदर सिर्फ एक बार अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लेंथ होती है 6 मंथ की। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम बात करेंगे। ये बेनिफिट्स बोलिए या फिर की फीचर्स बोलिए सीजनल वर्क वीजा के, तो इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। अगर आप 6 मंथ के लिए आपको वीजा इश्यू हुआ है, तो इसको आप आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं विद इन 12 मंथ। 12 मंथ के बाद फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आपको फिर से 6 मंथ का सीजनल वर्क वीजा इश्यू किया जाएगा। इसके बाद इसमें फैमिली स्पॉन्सरशिप पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली को लेके जाना वहां पे सीजन वर्क वीजा पे, तो आप इसको लेके नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे बेनिफिट ये रहता है कि एम्प्लॉयज कैन चेंज एम्प्लॉयर व्हेन दे आर इन स्वीडन। अगर आप किसी भी एम्प्लॉयर के यहाँ वर्क कर रहे हैं, आपको उसका बिहेवियर समझ में नहीं आता है, तो फिर आप अपने एम्प्लॉयर को चेंज कर सकते हैं विद इन स्वीडन। और मिनिमम जो सैलरी आपकी रहेगी 13,000 कोना, जो स्वीडन की करेंसी है वो है कोना, तो यहाँ पे आपको 13,000 कोना मिलेगी मंथली सैलरी बिफोर टैक्स। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपके ऑक्यूपेशन की और आई मीन जॉब रिक्वायरमेंट की, तो मिनिमम कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि आपको हाई स्कूल होना है या फिर आपको 12th होना है, ऐसी कोई भी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। और ना ही यहाँ पे इस कंट्री में आपको स्वीडिश लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी आपसे मांगी जाती है। लेकिन अगर आपके पास स्वीडिश लैंग्वेज का नॉलेज है, तो फिर आप अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। अगर आप मोर देन 90 डेज स्वीडन में रहना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे रेजिडेंस या वर्क परमिट इश्यू किया जाएगा। आप स्वीडन में विजिट कर सकते हैं, यूरोप के अंदर विजिट कर सकते हैं, तो फिर आप इस वीजा के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, स्वीडन की जितनी भी जॉब ओपन्स होती हैं स्वीडन के अंदर सीजनल वर्क वीजा इश्यू करने के लिए, एक ऑफिशियल जॉब पोर्टल अनाउंस किया जाता है। एक ऑफिशियल जॉब पोर्टल है जो कि स्वीडिश गवर्नमेंट इसको संचालित करती है। तो यहाँ पे अगर आप इसके जॉब पोर्टल को देखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को आगे इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप सीजनल वर्क वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास जॉब का होना जरूरी है। अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक वेबसाइट है, जिसका क्योंकि गवर्नमेंट बेस्ड वेबसाइट है, गवर्नमेंट यहाँ पे जॉब पोस्ट करती है, आई मीन गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे जॉब्स होती हैं, सारी जॉब पोस्ट की जाती हैं, और उस जॉब पोर्टल पे जाके आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बिफोर यू गो फॉर जॉब अप्लीकेशन, यू नीड टू हैव अ गुड रेज्यूमे। अगर आप अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करना नहीं जानते हैं, कैसे आप एक इंटरनेशनल फॉर्मेट पे रेज्यूमे प्रिपेयर करें, या फिर आपको कवर लेटर प्रिपेयर करना नहीं आता है, तो उसके लिए हमने एक बुक पब्लिश की है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उस लिंक पे जाके आप
उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं जिसके बेसिस पे आपको इजीली इंटरनेशनल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना सीवी को बिल्ड करने का मौका मिलता है। आगे अगर हम बात करें तो ये वेबसाइट है आपके सामने, इस वेबसाइट का आप यूज कर सकते हैं जॉब सर्च करने के लिए। यहाँ पे एम्प्लॉयर के लिए भी ये वेबसाइट है और एम्प्लॉयज के लिए भी वेबसाइट है, कैंडिडेट के लिए वेबसाइट है। स्वीडिश पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज आप देख सकते हो ऊपर, वेलकम टू द होल ऑफ स्वीडन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, ये गवर्नमेंट की अपनी एजेंसी है। यहाँ पे आप साइन अप कीजिए सबसे पहले, उसके बाद अपना सीवी आप यहाँ पे अपलोड करिए और यहाँ से आप फाइंड अ जॉब पे क्लिक करके अपना जॉब एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये वेबसाइट है जो कि यूरोपियन जॉब मोबिलिटी पोर्टल है, यहाँ पे आपको सारी जॉब्स मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक इसको चेक नहीं किया तो इसको चेक जरूर कर लें, इसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा जहां पे जाके आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ गई हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।